बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। दिस इज़ मायरा अमजद, वेलकम टू सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, क्योंकि अब तो आपको बहुत सारे लेटर्स आ गए हैं, है ना। आज भी हमने एक नया लेटर सीखना है। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि हम बहुत तेज़ी से अपने लेटर्स सीखते चले जा रहे हैं, इसलिए हमारा आज का लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपने इस लेटर को देखा है पहले? ये है लेटर एफ। जी, ये है लेटर एफ और ये है इसका बेबी लेटर, यानी कि स्मॉल लेटर, जो कि इसका साउंड कहलाता है। और साउंड क्या है इसका? क्या है? जी। तो आज हमने F यानी के F को सीखना है। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी स्टोरी की तरफ, क्योंकि स्टोरी सुनने से हमें बहुत मज़ा आता है और हम बहुत सारा कुछ सीख लेते हैं, है ना बच्चों। तो चलें, हमने यहाँ पे देखना है कि ये क्या स्टोरी है। पता है, ये है फाइजा का रूम। जी, फाइजा अपने रूम में मौजूद नहीं थी कि क्या हुआ, उसकी अम्मी आई और उन्होंने उसका रूम देखा। फाइजा के टेबल के ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स पड़े थे, क्योंकि फाइजा को फ्रूट्स बहुत पसंद हैं। आप लोगों को पसंद है फ्रूट्स? मुझे तो बहुत पसंद है फ्रूट्स, और सारे फ्रूट्स पसंद हैं। जैसे फाइजा ने सारे फ्रूट्स अपने टेबल पर रखे हैं ना, वैसे ही। और फिर क्या हुआ, एक और मज़े की बात, फाइजा के रूम में अम्मी ने देखा एक्वेरियम। जी, छोटा सा ग्लास का बना हुआ एक्वेरियम था, जिसके अंदर फाइजा की फेवरेट फिश थी। जी, उसके बाद अम्मी ने देखा कि साइड पर फ्लावर पड़े हैं। जी, ये वो फ्लावर्स थे जो फाइजा के फादर सुबह सुबह उसके लिए लेकर आए थे, और फाइजा ने लाकर इनको वेज में सजा दिया। अम्मी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुई कि फाइजा का रूम इतना प्यारा है। अम्मी रूम से बाहर गईं और फाइजा को बहुत सारी शाबाश दी, और फाइजा बहुत खुश हुई, है ना मज़े की स्टोरी। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ हमने एफ से यानी कि फ से बहुत ज़्यादा वर्ड्स भी सीखे। चलें हम उन वर्ड्स को रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो ये किसका रूम था? फाइजा का। फ, फाइजा। और उसके बाद रूम में क्या पड़ा था? फ्रूट्स। फ, फ्रूट्स। और एक्वेरियम में क्या था? फिश। फ, फिश। उसके बाद वेज में क्या पड़ा था? फ्लावर्स। तो ये तमाम वर्ड्स बनते हैं हमारे आज के लेटर एफ से। जी बच्चों, जब आपने ये सारे वर्ड्स याद कर लेने हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस। और राइटिंग से पहले राइटिंग की तैयारी, यानी कि प्री राइटिंग प्रैक्टिस। तो चलें जल्दी से हम एफ लिखना सीखते हैं। एफ लिखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। उसके साथ एक स्लिपिंग लाइन और दो स्लिपिंग लाइन, तीसरी स्लिपिंग लाइन नहीं लगानी, वो तो ई बन जाएगा ना, बिल्कुल ई की तरह। आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, एक स्लिपिंग लाइन और दूसरी स्लिपिंग लाइन, ये बन जाएगा हमारा कैपिटल लेटर एफ। अब हमने इसका साउंड यानी कि बेबी लेटर लिखना है। बेबी लेटर लिखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कर्व लगानी है, ठीक है, और उसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है। क्या करनी है, कर्व लगानी है, फिर स्ट्रेट लाइन लगानी है, और उसके बीच में एक स्लिपिंग लाइन, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा F, यानी के स्मॉल लेटर F। तो आपने पहले प्री राइटिंग करनी है, उसके बाद आपने इसको नोटबुक पे नीट नीट सा F लिखना है। इन तमाम वर्ड्स को याद करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।